हाय गाइस सर हाई गाय इस वीडियो में आप सी का स्वागत है तो फिलहाल आप सामने गाड़ी देख रहे हो एस्प्रेसो जो कि मारुति की तरफ से एक कॉम्पैक्ट साइज एस आती है आप ये बहन पा रहे हो कि ये हैचबैक है लेकिन हैचबैक नहीं है कॉम्पैक्ट एस आप मेरी बात मान लो खैर छोड़ो ये सब चीज़ आप सामने इसका वेड प्लस मॉडल देख रहे हो इसकी गुड़गांव रहा में एक्स रूम प्राइस जाती है फाइव लैक्स फिफ्टी थाउजेंड एंड सब कुछ मिला जो इसकी ऑन रोड प्राइस जाती है वो सिक्स लैक्स ट्वेल्ल थाउजेंड बाकी अब इसके इंजन की बारी आती आते थाउजेंड सी सी का इसमें इंजन मिलता है थ्री सिलेंडर के साथ जो कि निकालता है सिक्सटी सिक्स बी एच पी विथ एटी नाइन एन एम टॉर्क कंपनी इसकी माइलेज क्लेम कर रही है ट्वेंटी फोर की और फुल टैंक में गाड़ी चलेगी सिक्स हंड्रेड सिक्स एट किलोमीटर अब बाकी आपने फ्रंट लुक तो देख इसकी देख लिया अब स्टार्ट करते हैं फिलहाल हाई बीम लो बीम अलग सेट से मिल जाता है इंडिकेटर भीम पे मिलता है फोग्लैम नहीं मिलता बंपर पूरा ब्लैक मेट मिलता है डुअल ग्रिल मिल जाती है का लोगो लेंथ जो गाड़ी मिलती है वो पैंतीस सौ पैसठ एम एम विद एंड जो इसका व्हील बेस है वो तेईस सौ अस्सी एम अब फाइनली जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है वो है एक सौ अस्सी एम एम फेंडर पर इंडिकेटर देखने को मिलता है ब्लैक आपको व्हील मिलता है सिल्वर फील्ड कवर मिल जाते हैं एमआरएफ के टायर आते हैं जिसका साइज है वन सिक्सटी फाइव सेवेंटी आर फोर्टीन ओ आर वी हम बॉडी कलर में मिलता है डोर एंडर भी बॉडी कलर में मिल जाते हैं या आपको ब्लैक कलर में मिलता है बी पिलर भी ब्लैक कलर में एंड जो ए पिलर भी है वो ब्लैक कलर में मिलता है बाकी सेंट्रल लोकिंग गाड़ी में मिल जाती है बारी आती तो वह पीछे की पीछे से देख लो ठीक ठाक लगती है मतलब गाड़ी अगर लेने चाहो तो ले सकते हैं इसकी बात नहीं है ऊपर एंटीना मिल जाता है वहाँ पे दिख रहा हो तो देखो एंटीना में ज़्यादा बड़ा भी नहीं ज़्यादा छोटा भी नहीं हाई स्टॉप लैम्प स्पॉइलर नहीं मिलता गाड़ी में बाकी डिफोवर वाइपर कुछ नहीं मिलता है के लोगो यहाँ से अपने बूट ओपन कर सकते हो एक्सप्रेसो की बैजिंग दे रही है यहाँ पे ऑलवेज ऑन इंडिकेटर एंड रिवर्स लाइट बाकी रिफ्लेक्टर यहाँ पे मिल जाता है दो पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं गाड़ी में फ्रंट एंड रियर दोनों आपको ब्लैक मैट में बंपर मिलते हैं अब फिलहाल इसके अंदर चलते हैं अंदर की बारी आती है बाकी बाहर से तो पूरी कवर हो चुकी है अंदर डोर पे आपको कोई भी सॉफ्टनेस नहीं मिलती पूरी हार्ड प्लास्टिक है यहाँ से अपने बूट ओपन कर सकते हो डोर पे आपको कोई पावर विंडो देखने को मिलती है मैगजीन बोटल होल्डर एंड डोर ओपनर भी पूरा ब्लैक

बाकी जनरली आप गाड़ी में ये देखते हो स्टेयरिंग के ऊपर एम आई डी ये सब मिलती है लेकिन नहीं इसमें आपको जहां पर स्टीरियो है ना पूरा गोल सर्कल बना रखा है उसी के ऊपर एम आई डी मिल जाती है इस साइड से टर्न इंडिकेटर ऑन कर सकते हैं यहां से वाइपर्स के कंट्रोल मिल जाते हैं स्टेयरिंग वो सिंपल सोबर से मिलता है जो कि मारुति वैसे देती आ रही है स्टेरियो के कंट्रोल्स भी मिल जाती है गाड़ी क्रूज कंट्रोल वैसे तो मिलता ही नहीं है बीच में यहां से और के सिस्टम मिल जाते हैं एम आई डी पूरी वही मिलती है जो कि डिजिटल एंड मतलब जज नहीं कर सकते उसको कैसे है स्टीरियो वही कंपनी पैसे देती आ रही है यहाँ पे पावर विंडो ड्राइवर साइड बीच में हज़ार लाइट एंड लेफ्ट साइड में पैसेंजर साइड की पावर विंडो एसी में पूरा मैनुअल मिलता है नीचे एक साइड यहाँ पे बारह वोट का सॉकेट मिल जाता है एंड राइट साइड में आपको यू एस बी और रॉस दोनों चीज़ें एक साथ देखने को मिल जाती है यहाँ पे थोड़ी स्पेस दे रही है दो का कपोल्डर एंड गियर भी पूरा ऐसा सिंपल सुबह से मिलता है ब्लैक कलर में पूरे गाड़ी ब्लैक कलर में कर रखी है वैसे तो हैंड ब्रेक यहाँ पे मिल जाता है उसके नीचे थोड़ी स्पेस दे रही है बाकी ए सी वैंड की भी प्लेसिंग दे लो यहाँ पे दे रही है एयरबैग दो गाड़ी में मिल जाती यहां है यहाँ पे थोड़ी सेजर की है ग्लव बॉक्स खोल लो तो वैसे काफ़ी छोटा सा ही मिलता है कॉम्पैक्ट सा ऐसा कुछ खास बड़ा तो नहीं है अब फिलहाल बारी आती है तो वो सन राइजर की यहाँ पे देख लो टिकट होल्डर तक नहीं मिलती मेरे तो दूर की बात है आई पे भी ऐसा नॉम नहीं मिलती डे नाइट वाला ऑटो डिमिंग भी नहीं मिलती एंड लाइट आपकी पूरी पीली मिल जाती है पैसेंजर साइड में भी मेरा नहीं मिलता ग्रह बेंडल वही है से कस दिए वही वाली मेरी सिंपल सी यही लाइन चलती है अब फिलहाल बारी आती है तो वो पीछे की फ्रंट कम्फर्ट फिर भी ठीक था मैंने अपने हिसाब से कर दी थी सीट एडजस्ट अब फिलहाल पीछे की बारी आती है डोर पे आपको ऐसे कुछ खास देखने नहीं मिलता बाकी सिम्पल सही है एंड बस पीछे का आपको मैनुअली उतारने पड़ते हैं चढ़ाने पड़ते हैं शीशे जो विंडोज़ है वो अपनी मैनुअली करने पड़ते हैं ठीक है बाकी लेग स्पेस देखो आप ठीक ठाक मिल जाता है थाई स्पोर्ट भी ठीक ही है एंड स्पेस मतलब जो लेग रूम है गाड़ी का फिर भी ठीक है हेड दोनों ऐसे स्टग मिलते हैं एडजस्टेबल नहीं मिलते बाकी हम्प भी ऐसा छोटा सा मिलता है पीछे एक साइड वो ट्रक वाले ही दो एड्रेस्ट मिल जाते हैं बाकी पार्सल ट्रेपी गाड़ी में ऑफर हो जाती है अब फिलहाल बूट में चलते हैं बूट में क्या कुछ स्पेस मिलता है वो भी बताता हूँ मैं ग्रे बैंडल वही सिंपल से ही है जो आगे रहेंगे वो पीछे रहेंगे ड्राइवर साइड वैसे पता नहीं क्यों नहीं मिलता हाँ। किसी भी गाड़ी में देख लो ऐसे छोटी गाड़ी में ड्राइवर साइड आपको ग्रह बैंडल मिलता ही नहीं है अब फिलहाल अपनी बूट यहाँ से ओपन नहीं कर सकते चाहे वी एक्स आई हो चाहे वी एक्स आई प्लस हो कुछ भी हो यहाँ से ओपन कर ही नहीं सकते ड्राइवर को परेशान करना ही पड़ेगा यहाँ से फिलहाल अपनी कोई नहीं बूट ओपन कर लेते हैं क्या भी होता है पीछे चल के दिखाता हूँ बूट खोल दी और पार्सल तरी गाड़ी में ऑफर हो जाती है यहाँ पे एंड कोई भी गाड़ी में ये रहता है ना कि ऐसे उठाते हैं मतलब इजीली उठते रहती लेकिन इसमें आपको लॉक मिलता है बकायदा कि नीचे कर दो तो ऐसे स्टगड रह जाती है आसानी से नहीं उठती बाकी यहाँ पे ऐसे क्लोथिंग दे रखी है और नीचे की साइड आपको यहाँ पे स्टेप नहीं मिल जाती जो कि पता ही है एक साइज़ कम मिलती है यहाँ पे देख लो उठा के दिखा देता हूँ मैं ये देखो वही ब्लैक कलर के बाहर टायर मिलते हैं ब्लैक कलर के अंदर मिलते हैं एक साइज कम मिलती है वही बात है ओपन कर करके दिखा देता हूँ कैसे कुछ इंजन मिलता है यहाँ से ओपन कर रहा है मैंने बताया भी था ना कैसे कुछ हिल रहा था मतलब मैं आपको सिर्फ दिखाई रहा था कि यहाँ पे इसका हुडो ओपनर मिलता है लेकिन देखा था ना आपने किसी चीप सी क्वालिटी का था ऐसे हिल रहा था फिलहाल आप देखो ऐसा कुछ इसमें इंजन मिलता है बाकी बोनेट मैंने उठाया था काफ़ी हल्का सा लग रहा था इंसुलेशन के लिए कुछ भी यहाँ पे नहीं मिलता देख लो हज़ार सीसी का इसमें इंजन मिल जाता थ्री सिलेंडर के साथ बाकी इसे के साथ वीडियो कंप्लीट होती है आपको कैसी लगी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना यहाँ तक वीडियो देख लिया तो बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू बाय